मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चिकन और दाल और बीच में सब्जी होगी, तो उसका नाम है चिकन टिक्का दाल। तो सबसे पहले जो है हमने चिकन टिक्के की तैयारी करनी, तो चिकन बोनलेस मेरे पास यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 इंच के टुकड़ों में इसको कटवा लिया है। आप 1.5 इंच में भी कटवा सकते हैं, दैट्स फाइन। बोनलेस चिकन है मेरे पास 1/2 किलो। इसमें जाएगी दही भरकर 2 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, गरम मसाला मेरा होममेड है 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला आपको मैंने बनाना सिखाया हुआ है, यह आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, लेकिन लेमन ज़्यादा भर कर मत डालिएगा। लेमन जूस जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून जितना, नमक थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ बीच में 1/4 टीस्पून जितना, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद जो है आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि चिकन जो है उसे हमने कुक करना है। कोयला मैंने चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए, ठीक है, अच्छे से रेड हो जाना चाहिए उसको, लाल रंग का कोयला गर्म होगा। तेल यहाँ पर आप डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना, और जितना भी चिकन है वो तमाम आप इसमें ऐड कर लें। इसको ऐड कर लें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसी तेल में। फ्राई करें इसको हाई फ्लेम पर कि चिकन का कलर जो है हल्का सा चेंज हो जाए उसमें बिल्कुल। फिर मैं 1/2 कप जितना पानी डालूंगी ताकि अच्छे से चिकन जो हमारा गल जाए। तो ये इसको पहले फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका कलर चेंज हो जाने दें, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें, ये पानी जो है मैंने नहीं डाला, ये चिकन ने खुद छोड़ा, क्योंकि मैं जो है इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर फ्रोजन चिकन, तो जब उसको आप डीफ्रॉस्ट भी करते हैं तब भी इसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ होता है। तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप जितना। फ्लेम को हाई पर कर लें, जैसे इसमें जोश आएगा इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लें कि चिकन जो है आपकी मज़ीद टेंडर हो जाए और जो भी पानी है इसमें वो तमाम बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए, ठीक है। उसको कुक होने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है चिकन टिक्का हमारा तैयार हो गया, ठीक है। जितना भी पानी हमने डाला चिकन में छोड़ा वो तमाम खुश्क हो गया। अब आप जो है इसे चूल्हा बंद कर देंगे। कोयला मैंने गर्म कर लिया था, आपको मैंने बता दिया था। इस पर अब आप डालेंगे तेल और इसे कवर कर दें जब तक कि जो है सारा स्मोक इसका सेटल हो जाता है। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि जो शिमला मिर्च है मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 3 कलर इसमें इस्तेमाल किए, ठीक है, रेड, येलो एंड ग्रीन। आपको जो कलर मिलता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह इसको डिफरेंट कलर्स में भी ले सकते हैं। इसे मैंने काट लिया था इनटू स्मॉल क्यूब्स, ठीक है। सीड्स मैंने इसके रिमूव कर लिए थे और कढ़ाई में मैंने गरम किया हुआ है 1/2 कप तेल, इसी में हमारा बाकी का सालन बनेगा। तो सबसे पहला काम जो इसमें आप ये डालेंगे शिमला मिर्च, और इसको आपने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इस पर एक बड़ी खूबसूरत सा शाइन आ जाती है, तो वो सालन में भी खूबसूरत दिखता है, वरना फिर वो डल हो जाता है जब आप उसको सालन में डालते हैं, कभी नोट कीजिएगा। तो ये किसको ज़रा यहाँ पे फ्राई करते हैं हाई फ्लेम पर। इस पर थोड़ा सा कलर भी आप देखेंगे आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता दैट्स फाइन। सिर्फ इसको 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें और निकाल कर उसको साइड पर रखें, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई, इन्हें मैं निकाल कर के साइड पर रखूँगी और उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब आप इसके अंदर जो है ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, फाइनली इसको स्लाइस कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। तो अच्छी तरह फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। ये इसका जो कलर आप देखेंगे अच्छा सा सुनहरा सा हो जाना चाहिए, तो इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देख लें, इतना आपने इसको जो है डार्क ब्राउन की तरफ कलर लेके आना, ये बड़ा खूबसूरत इसकी वजह से जो है सालन में रंग आता है। उसको अब इसमें डालते हैं, आप 4-5 हरी मिर्चें डाल दें, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मज़ीद और प्याज जो है फ्राई नहीं होती। ये एक ट्रिक समझ लें, एक टिप समझ लें कि जब आपका प्याज जो है अच्छा सा हो जाए कलर उसका, तो ताकि मज़ीद और वो ना पके आप उसमें पानी डाल दें। देख लें कितना उसका इवनली कलर हो गया। इसमें अब आप ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है मेरे पास, सॉल्ट यानी कि नमक 1/2 टीस्पून, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी इसमें जाती है 1/2 टीस्पून,
बहुत ही कम मसाले हैं, लेकिन जिंजर इसका जायका बहुत अच्छा आता है। टमाटर को अच्छे से मिक्स करते हैं और अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई दाल चने की। ठीक है, चने की दाल को मैंने वॉश किया और रात को मैंने इसे खुले पानी में भिगो कर रखा। रात को भिगोने से ये होता है कि अगले दिन जब आप चने की दाल को बॉईल करते हैं गलाने के लिए तो वो परफेक्टली गल जाती है, जल्दी भी गल जाती है और अपनी शेप भी नहीं लूज़ करती, वरना ये होता है कि जो चावल का दाना था वो फट जाता है। तो ये कि यहाँ पर मैंने दाल को बॉईल कर लिया हुआ है, तो ये आधा किलो मेरे पास चने की दाल है। ये आपको रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, रमज़ान शरीफ में बनाएं, जल्दी है आपको कोई दावत है उसमें बनाएं। लेकिन आजकल दावत में जो ट्रेंड होता है, लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ उसमें चिकन पुलाव गोश्त ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। दावत के अंदर में आप वैरायटी के तौर पर दाल सब्ज़ी भी रख सकते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ट्राई कीजिएगा। उसके बाद डिश में आप ऐड करेंगे एक कप जितनी दही और इसको इसमें आप अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर इतना कुक कर लें कि जो दाल का पानी है वो तमाम खुश्क हो जाए और जो तेल हमने डाला था वो सरफेस पर आ जाए। तो इसे कुक होने दें ज़रा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मिक्सचर। तो ये देख लें, यहाँ पे जो है दही का पानी खुश्क हो गया और जो भी तेल वगैरह है वो दोबारा सरफेस पर आ रहा है। यहाँ पर ला करके आप ऐड कर देंगे वो फ्राई की हुई हमारी शिमला मिर्च। चला गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगती है पराठों के साथ, गर्मा गर्म तंदूर की रोटी हो जाए, साथ में चावल भी जो होते हैं उसके साथ भी मज़ा आता है, सफ़ेद चावल जो होते हैं उबले हुए। ये चला गया, उसके बाद बीच में जाएगा जो कि हमारा टिक्का चिकन था। तमाम चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। ये बिल्कुल हटकर एक रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, इसे भी अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद जो है मैं इसको दम पर रखूँगी। तो दम पर रखने से पहले इसमें मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ नमक वगैरह, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें अब गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून जितना। इसे मिक्स कर लें, थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें यहाँ पर डालूंगी, 3 अदद हैं, इनको मैंने रफली स्लाइस कर लिया था। इसको दम पे रख देते हैं तकरीबन 4 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर इसको ज़रा दम दीजिएगा और फिर इसको जो है हम करते हैं डिश आउट। दम पे रख लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, इसको भी बंच कर लें, अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे कर देते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, ये बहुत ही शानदार बनती है, जानिएगा इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद है तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में मिलती है आपको मेरी वेबसाइट cookwithfaiza.net पर और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा, बताए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।